प्रदेश में कई जगहों पर या यूं कह लें कि अधिकतम जगहों पर सड़क के हालात खस्ता हैं। भले ही उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां अलग हो और यहां अधिकतम क्षेत्र पहाड़ी हो, लेकिन ये बड़ी विडम्बना है कि हम आज भी बहाने के रूप में यही सब बातें सुनते हैं। वहीं पिथौरागढ़ में भी 5 महीनों से एक सड़क निर्माण का कार्य लंबित पड़ा है, जिसका कार्य पूरा न होने पर अब नाराज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पिथौरागढ़ में कॉलेज रोड में लोक निर्माण विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर 5 दिनों के भीतर सड़क का निर्माण कार्य पूरा करने की चेतावनी दी है। साथ ही निर्माण कार्य पूरा न होने पर आंदोलन करने की धमकी भी दी है। गौरतलब है कि पिथौरागढ़ की कॉलेज रोड पिछले 5 महीनों से खस्ता हाल में है। पांडे गाँव में पुल निर्माण होने के बाद इस सड़क से यातायात तो संचालित हो गया, लेकिन सड़क और नालियों का काम लोक निर्माण विभाग द्वारा अधूरा छोड़ दिया गया है, जिस कारण पीजी कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, जीआईसी के बच्चों के साथ ही आम राहगीरों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। काफी लंबे समय से इस पुल की जो हालत है बहुत खस्ता हाल में है। इस पुल में काम चला, लेकिन अभी तक इस पुल में डामरीकरण नहीं हुआ है, नालियां सही तरीके से नहीं बनी है, जिससे नालियां चोक हो जा रही हैं और आम जनता को यहाँ पे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो हम लोक निर्माण विभाग को चेताना चाहते हैं, चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर 5 दिन के भीतर उन्होंने डामरीकरण करके इस पुल को सही नहीं किया गया, नालियां सही तरीके से नहीं बनाई गई, वो जहां जहां पे लोगों को स्पीड ब्रेकर की जरूरत है ताकि स्पीड में कंट्रोल किया जाए, अगर स्पीड ब्रेकर नहीं लगाए गए तो आने वाले समय में यूथ कांग्रेस लोक निर्माण विभाग कार्यालय में उग्र रूपी आंदोलन करने हेतु बाध्य होगी। संवाद 365 के लिए पिथौरागढ़ से मनोज चंद की रिपोर्ट।